एक्सप्लोर करने आई हूँ कि ये भी एक शक्ति क्रिएट है, जैसे विंध्याचल का मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो शूट किया जिसमें विंध्याचल का आपने देखा कि शक्तिपीठ थी, तो ठीक वैसे ही अष्टभुजा माता है और काली खोह है, ये भी एक शक्तिपीठ है। तो एक्सप्लोर करते हैं और फिलहाल ये सीढ़ियाँ है और यहाँ आप चढ़ के अभी जा रहे हैं अष्टभुजा माता के दर्शन करने और मैं आपको वहाँ से पूरा व्यू दिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट थोड़ा सा तरक्की पर है एंड ये बहुत अच्छी बात है एक्चुअली, ट्रॉली वगैरह शुरू हो रही है तो बिल्कुल आइए। और जब भी आप लोग मिर्ज़ापुर टूर करिए तो विंध्याचल ज़रूर आइए, वहाँ पे आपको एक माता की शक्तिपीठ मिलेगी और अष्टभुजा काली खोह। तो फिलहाल मैं अभी अष्टभुजा में हूँ, यहाँ पर भी माता सती की शक्तिपीठ है और अच्छा लगता है, आइए। लेकिन बस एक स्कैम यहाँ पर है एक्चुअली, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लोग दक्षिणा और दान में वो करते हैं कि हाँ ठीक है हर जगह पर, तो वो चीज़ों से आप बचें और आइए दर्शन करिए, बहुत अच्छा लगेगा। बाकी मेरे पीछे का व्यू देखिए बहुत सुंदर है, हम लोग इस टाइम फिलहाल पहाड़ पे हैं और पूरा व्यू पहाड़ का दिख रहा है। व्यू दिखा दो ठीक है, ये आप देख सकते हैं पूरा व्यू, यहाँ पे मन्नत के धागे बांधे गए हैं और ये ट्रॉली। से हाय, हाँ मत करो आज पक जाऊंगे तो फिर। और फिलहाल हम थोड़ा सा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रहे हैं क्योंकि ऊपर का व्यू परफेक्ट मिलने वाला है और बहुत अच्छा लगेगा, तो व्यू ऊपर का भी मैं दिखाऊंगी। थोड़ा और ऊपर जा रहे हैं, पहाड़ पर तो एक्चुअली हम हैं ही लेकिन उसके ऊपर भी हम ट्राई कर रहे अभी जाने का। और यार यहाँ बंदर बहुत हैं, चलो फिर ऊपर चलते हैं, वहाँ से कुछ सेल्फीज लेते हैं और दिखाते हैं और व्यूज़ वगैरह देखते हैं। Oh,
फिलहाल अभी हम मेन पॉइंट अष्टभुजा के पहाड़ पे हैं और यहाँ से मैंने आपको बोला था थोड़ा सा आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के जानी पड़ेंगी, आई थिंक 50-60 सीढ़ियाँ हैं। आप ट्रैक करके सीढ़ियों से जाओ, फिर आपको पूरा एक मार्केट दिखेगा जिसमें आप और भी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो।